ये खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने बीती 26 जनवरी से नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह के नाम से बढ़ते नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव गांव जाकर नशे की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही नशे के खिलाफ जंग में उनके हस्ताक्षर लेकर लोगों का समर्थन भी हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजारों लोगों के हस्ताक्षर से ज्ञापन भरा तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि नशे के व्यापारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। अरे यहाँ जो मेरी जानकारी, उत्तराखंड का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उससे ये काम अभी नहीं हो रहा है, पर पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से और जो मणिपुर जिसको आज हम जलता हुआ देख रहे हैं उस इलाके से ये कार्य हो रहा है। वो लोग पकड़े भी गए हैं और उनको कोर्ट में पेश भी किया गया है। अगर हम ये कहें कि जहां कहीं आतंकवाद पनपता है तो उसके दो ही कारण होते हैं, एक नशे का व्यापार और दूसरा हथियारों का व्यापार। हमें नशे के व्यापार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में खत्म करने के कदम उठाने चाहिए।